बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर सामने आई हैं किरण बेदी। कहा है कि मौजूदा हालात में अच्छी और स्थिर सरकार के लिए सबसे बेहतर विकल्प नरेंद्र मोदी हैं। अब सवाल यह है कि क्या मोदी ही स्थिर सरकार दे सकते हैं? हमारे पास आज एक ऑल्टरनेटिव है। मैं किसी पॉलिटिकल मेंबरशिप में नहीं हूं, मैं एक भारतीय की आवाज उठा रही हूं कि आज समय है एक स्थिर सरकार के लिए। हमारे पास जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है वो है बीजेपी, और उसका नेतृत्व आज कर रहे हैं जो बीजेपी का नेतृत्व एज प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट वो है नरेंद्र मोदी। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल अन्ना के लेफ्ट राइट हैंड हुआ करते थे। अपनी पार्टी बनाकर केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली तो किरण बेदी ने बीजेपी और मोदी पर अपने झुकाव की लुका छिपी खत्म कर दी। किरण बेदी को देश सुन ले कि देश में सिर्फ और सिर्फ मोदी ही विकल्प है, कांग्रेस तो पुतले की भी सरकार बनवा सकती है। कांग्रेस वो है जिसने हमें सारी करप्शन दी, क्या उसको वापस लाना चाहेंगे वोट करके? या अगर आप उसको थोड़े ग्रुप में भी दे दिया तो किसी और ग्रुप के पीछे लग के उसको पुतला बना के सरकार चलाएगी। कहीं किरण बेदी की नज़र में पुतला केजरीवाल तो नहीं? पार्टी बनाने के सवाल पर अन्ना से केजरीवाल और केजरीवाल से किरण बेदी अलग हुई थी। केजरीवाल किरण बेदी को अपने साथ रखना चाहते थे, उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक बता दिया था, लेकिन तब बीजेपी पर केजरीवाल नहीं माने और रास्ते अलग हो गए। किरण बेदी खुद को आम आदमी की हैसियत से मोदी का साथ देने की अपील कर रही हैं। जब मोदी बोलते हैं तो लगता है दूसरों को स्कूल जाना चाहिए। देश का हित चाहते हैं तो अब हमको टुकड़ों टुकड़ों में वोट नहीं करना चाहिए, अब हमको छुपन छुपाई नहीं खेलनी है, सीधा खेलना है, सीधा वोट देना है, और हमने कहना है मोदी साहब को करो नेतृत्व और जवाबदेही रखो।